नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर जसपाल कौर, जो कि एक साइकेट्रिस्ट भी हैं। मैम, जब बच्चे पास हो जाते हैं 12th के बाद, तो उन्हें कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, इसमें माँ बाप का क्या रोल होता है? जी बिल्कुल, मैं स्ट्रीम चूज़ की जो आप बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट फेज रहता है बच्चे की लाइफ में, क्योंकि इसी पर ही प्रोफेशनल लाइफ उसकी डिपेंड करती है जी। तो इसमें जो है ये वैसे 10th से ही शुरू हो जाता है, प्लस टू के बाद कॉलेज की जो है वो एडमिशन लेवल रहता है, पर स्ट्रीम चूजिंग जो है वो 10th पास आउट होने के बाद ही बच्चे की रहती है जी। तो उसके टाइम पे मैं ये कहना चाहूँगी पेरेंट्स को कि पहले तो रिज़ल्ट जो डिक्लेयर हो चुका है, उसके बाद बच्चे का इंटरेस्ट लेवल ज़रूर चेक करें कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस लाइन में है, और इंटरेस्ट लेवल चेक करने के बाद ही जो है आप बच्चे को गाइड करें। पहले से डिसाइडेड ना रखें कि मेडिकल लेना है, नॉन मेडिकल, कॉमर्स या किन चीज़ों का, पहले से प्री डिसाइडेड ना करें। रिज़ल्ट आने के बाद जब बच्चे का इंटरेस्ट आपको लेवल, उससे बातचीत ज़रूर करें, आप उसके मार्क्स चेक करें कि किस स्ट्रीम में, किस सब्जेक्ट में उसके मार्क्स हैं। उसके बाद जो है पूरी काउंसलिंग बच्चे की कीजिए। अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे काउंसलिंग लेना चाहते हैं स्ट्रीम चूजिंग में, वो भी अवेलेबल है, इवन गवर्नमेंट लेवल पे भी और प्राइवेट सेक्टर लेवल पे भी, वहाँ भी आप जा सकते हैं। IQ टेस्टिंग करवाने के बाद भी आप जो है स्ट्रीम चूजिंग कर सकते हैं। स्ट्रीम चूजिंग के बाद जो है अब मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, तीन चार जो ये फेजेस हैं बच्चे के, ये लेवल के अकॉर्डिंग चूज़ करने चाहिए, जिसमें मैं पेरेंट्स को सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ मार्क्स पे भी डिपेंड ना रहें, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि बच्चे के मार्क्स मैथ्स में उस टाइम पे नहीं आए हैं, पर उसका इंटरेस्ट लेवल बहुत ज़्यादा है मैथ्स में और एकेडमिकली परफॉर्मेंस उसकी पूरे साल में बहुत अच्छी रही, पर ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स के दौरान मैं कहना चाहूँगी कि सिर्फ उस टाइम पे शायद बच्चा बीमार था या किसी वजह से बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो ऐसा ना करें कि मार्क्स जो है मैथ्स में आपके कम है तो आप अकाउंट्स का सब्जेक्ट या इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं या मैथ्स या कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ नहीं करोगे। तो इन चीज़ों में जो है सारा पेरेंट्स को देखना होगा कि बच्चे का इंटरेस्ट लेवल बहुत ज़्यादा है और बच्चा कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट का भी ध्यान रहे। बच्चा जो है कई बार पीयर प्रेशर से इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा होता है कि फ्रेंड्स मेरे जो हैं वो कॉमर्स ले रहे हैं तो मैं भी वही लूँगा, तो इन चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अगर फ्रेंड्स उसके ले रहे हैं तो फ्रेंड्स के मार्क्स कितने आए हैं या फ्रेंड्स का जो लेवल है अंडरस्टैंडिंग वो कितना है। तो पेरेंट्स को ये चीज़ें सारी ध्यान रखने के बाद इंटरेस्ट लेवल को मेन जो है वो ज़रूर ध्यान में रखें, उसके बाद स्ट्रीम चूजिंग की तरफ बढ़ें। स्ट्रीम चूज़ करने के लिए मैं सबसे पहले तो यही बोलूँगी पेरेंट्स को कि प्रोफेशनल गाइडेंस अगर वो लेना चाहें तो ज़रूर जाएं। इसमें कोई मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई इसमें मतलब कंपल्सरी नहीं है कि जाना ही जाना है, पर अगर बच्चे के लिए अगर आपको असमंजस में रहने की बजाय अगर आपको लगता है कि मुझे पता नहीं चल रहा कि किस अपने बच्चे को किस स्ट्रीम में मैं डालूं, तो नो डाउट आप ज़रूर जाइए प्रोफेशनल काउंसलिंग के लिए, और काउंसलिंग लेने के बाद स्ट्रीम चूज़ करने के बाद सब्जेक्ट्स के कई बार ऐसा होता है बच्चा स्ट्रीम चूज़ कर चुका है पर स्ट्रीम चूज़ करने के बाद 2 महीने स्टडी भी कंटिन्यू कर रहा है, पर उसके बाद उस बच्चे को फील होता है कि शायद ये स्ट्रीम मैंने गलत चूज़ किया है। पेरेंट्स का उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि उस टाइम पे बच्चे को फोर्सफुली वो स्ट्रीम कंटिन्यू ना करने दें। आप चाहें तो उस टाइम उसको रोक सकते हैं, स्ट्रीम चूज़ जो कर चुका है उसको चेंज कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में भी, इवन प्राइवेट स्कूल में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि 1 or 2 months के अंदर अगर आपको लगता है बच्चा सस्टेन नहीं कर रहा है स्टडी में, परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है या अनकम्फर्टेबल फील कर रहा है तो वो चेंज कर सकता है। तो पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इसमें, बच्चे का भी रहेगा, इंटरेस्ट लेवल के अकॉर्डिंग ही जो है स्ट्रीम चूजिंग का स्टेप लें। बच्चों को कई बार तो समझ आ जाता है कि मुझे स्ट्रीम चेंज करनी है, लेकिन कई बार उनको भी समझ में नहीं आता है या कई बार वो रुक जाते हैं कि नहीं, मम्मा ने ऐसा कहा है तो ऐसा ही करना है या पापा ने ऐसा कहा है तो ऐसा ही करना है, अब अगर मैंने बात करी तो मम्मी पापा डांटेंगे, तो ऐसे में क्या बच्चों को माँ बाप से खुल के बात करनी चाहिए? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी। सबसे पहले मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि बच्चे इस चीज़ में इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं, पेरेंट्स का इनिशिएटिव लेना ज़्यादा बनता है कि वो बच्चे से खुद बातचीत करें, खुद पूछें उसका इंटरेस्ट क्या है। 10th क्लास का बच्चा, प्लस टू क्लास का जो बच्चा है, 15 years, 16 years old बच्चे इतने अंडरस्टैंडेबल होते हैं कि आप उनको समझाएंगे तो बात को समझते हैं, पर समझाने का तरीका बहुत अच्छे तरीके से आपको अपनाना चाहिए।
पर ये नहीं कि पेरेंट्स ही अपने फ्रेंड सर्कल, क्योंकि पेरेंट्स के भी अपने फ्रेंड सर्कल हैं, उनके पड़ोस का जो बच्चा है वो मेडिकल ले रहा है और वो इन्फ्लुएंस पेरेंट्स अपने आप में इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं कि मेरे फ्रेंड के जो बच्चे ने मेडिकल लिया है या उसके 90% मार्क्स आए हैं, इन चीज़ों को अगर लेके चलेंगे तो नो डाउट आपके बच्चे की परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाएगी, जो वो अचीव करना चाह रहा है गोल अपनी लाइफ में वो नहीं कर पाएगा। आपको अपने बच्चे पे फोकस करना है कि उसका लेवल क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, इन तीन चीज़ों को आप फोकस में लेके आगे बढ़िए और नो डाउट बच्चा जो है जिस भी फील्ड में जाएगा एक्सेल करेगा। जब बच्चा आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, मोबाइल चलाते हैं आजकल सारे बच्चे, तो वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो वहाँ वो देखते हैं कि मेरे फ्रेंड ने ये लिया है तो मैं भी वही लूँगा, तो ऐसे में क्या माँ बाप को उन्हें रोकना चाहिए ऐसा करने से? ये सोशल मीडिया का एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, नो डाउट इसके थ्रू वो कनेक्ट है अपने फ्रेंड से और उसको जानकारी भी मिल रही है कि और बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, पर इस पॉजिटिविटी को अगर हम पॉजिटिव वे में ही लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर नेगेटिविटी में लेते हैं कि मेरा फ्रेंड ये ले रहा है और मुझे भी यही लेना है, जबकि उसके मार्क्स इतने नहीं आए और उसका इंटरेस्ट भी नहीं है, पर जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरे फ्रेंड ने ये लिया है मैं भी यही करूँगा, तो वो बहुत गलत रहेगा। उस टाइम पे पेरेंट्स को ज़रूर अपने बच्चे को भी गाइड करना चाहिए, उस बच्चे को सही तरीके से बताना चाहिए कि आपका लेवल क्या है, आप किस चीज़ के लिए आगे बढ़ सकते हैं और उसका इंटरेस्ट क्या है, और सिर्फ तीन चार चीज़ों को ही ध्यान में नहीं रखना है, बच्चे की होल डेवलपमेंट जो है, पर्सनालिटी जो है, ग्रूमिंग, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। पेरेंट्स को नो डाउट पीयर ग्रुप्स का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चे का कि वो किन बच्चों से मिलता है या वो बच्चे क्या ले रहे हैं। नो डाउट लाइफ में वो बच्चे उसके साथ सारी उम्र नहीं रहने वाले हैं। स्ट्रीम चूजिंग जो है प्लस टू के टेंथ के बाद जब स्ट्रीम चूज होती है, उसके बाद प्लस टू के बाद जब कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो बच्चे अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में जो इन्फ्लुएंस होके ज़रूर लेते हैं कि वो बच्चा जो मेरा फ्रेंड है वो इस यूनिवर्सिटी में जा रहा है या वो अब्रॉड जा रहा है या फिर आउट ऑफ मतलब स्टेट जा रहा है, तो ये चीज़ें भी इन्फ्लुएंस करती हैं बच्चे को। पर पेरेंट्स को ये चीज़ देखनी है, एक तो अफोर्डेबिलिटी पेरेंट्स को ही देखनी है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर अफोर्ड कर सकते हैं और बच्चे का लेवल भी बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंट है आपका बच्चा उस चीज़ में, फील्ड में एक्सेल कर रहा है और आगे भी कर सकता है, आपको भी कॉन्फिडेंस है, तो नो डाउट बच्चे को उस फील्ड में जाने से मत रोकिए। पर अगर आपको इस चीज़ में कहीं पे भी डाउटफुल लगता है तो मनी के साथ आप टाइम भी जो है बच्चे का ख़राब करेंगे, उससे बेटर है बच्चे को प्रॉपर काउंसलिंग दिलवाइए। अगर आप हैंडल कर पा रहे हैं अपने लेवल पे वेल एंड गुड, पर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो प्रोफेशनल लेवल पे बच्चे को गाइडेंस ज़रूर दिलाएं कि किस यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन लेना चाहिए, जो फर्दर प्रोफेशनल लाइफ में उसको बहुत अच्छे से गाइडेंस भी देगा और एक्सेल करने की अपॉर्चुनिटीज़ भी देगा। क्या मिड टर्म में बच्चा अपने सब्जेक्ट चेंज कर सकता है? मिड टर्म में बिल्कुल चेंज कर सकता है। मिड टर्म में ये डिपेंड करता है कि अब बच्चे ने सब्जेक्ट्स जो लिए हैं, अब स्टार्टिंग में जैसे टेंथ में अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ स्ट्रीम चूजिंग के टाइम पे, अब फर्स्ट टर्म स्टार्टिंग जो होती है उस टाइम तक बच्चे को एटलीस्ट ये आइडिया हो जाता है कि सब्जेक्ट्स का सिलेबस कितना है और जो स्टडी शुरू हुई है वो कॉप अप कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर बच्चा स्टिल अगर ये चीज़ें अपने पेरेंट्स से शेयर कर रहा है कि वो नहीं कर पा रहा या उसको समझ नहीं आ रही है या डिफ़िकल्ट लग रहा है सब्जेक्ट या वो चीज़ें या छुपा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा पर दिखा ऐसे रहा है कि उसको समझ आ रहा है पर परफॉर्मेंस या एग्ज़ाम या फर्स्ट टर्म जो हुई है उसमें इतने मार्क्स नहीं आए हैं या टीचर से भी आपको फीडबैक मिल रहा है या परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो इन चीज़ों को इग्नोर ना करें कि आगे 6 महीने बाद ये कॉप अप कर जाएगा। उस टाइम पे मैं यही गाइड करना चाहूँगी पेरेंट्स को कि इन चीज़ों को बहुत अच्छे से मतलब कि देखना चाहिए कि पेरेंट्स अगर उस बच्चे की ये चीज़ें सुन रहे हैं, तो मैं पेरेंट्स को ये गाइड करना चाहूँगी कि बच्चे को फोर्सफुली उस स्ट्रीम को कंटिन्यू ना करने दें, वो इसके रिगार्डिंग बोर्ड से काउंसिल से मिल सकते हैं। मोरओवर पहले आप प्रिंसिपल से आप बात कर सकते हैं स्कूल के, टीचर्स के फीडबैक लें, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस दिखाएं, पूरे एविडेंस के साथ जो है वो आगे पेपर वर्क के लिए जो है आगे फाइल अप कर सकते हैं अपना केस, और नो डाउट बच्चे के जो लेवल के अकॉर्डिंग स्ट्रीम है वो चूज़ कर सकता है। इसके लिए आईक्यू टेस्ट वगैरह होने ज़रूरी हैं? आईक्यू टेस्टिंग जो है ये एक पर्सनल आप कह सकते हैं कि एक प्रेफरेंस रहती है, कंपलसरी नहीं है, स्कूल की तरफ से भी कोई कंपलसरी नहीं किया गया कि आईक्यू टेस्टिंग के बाद ही जो है मार्क्स आने पे आपको इतने आईक्यू लेवल पे ही आप मेडिकल ले सकते हैं या नॉन मेडिकल स्ट्रीम में जाएंगे जी। पर
आईक्यू टेस्टिंग एक पर्सनल प्रेफरेंस रहती है कि उस पर आप एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, बच्चे के लिए जानना चाह रहे हैं कि इस फील्ड में वो उसे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो नो डाउट आईक्यू टेस्टिंग हेल्प कर सकती है, एक सोर्स जो है, एक टूल है आईक्यू टेस्टिंग आगे के फ्यूचर के रिगार्डिंग चूज करने के लिए स्ट्रीम के लिए। पर उस पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे की क्रिएटिविटी जो है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग बदलती है। इन्हांसमेंट जो है क्रिएटिविटी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंक्रीज भी होती है, डिक्रीज भी होती है। तो ये टोटली डिपेंडेबल नहीं रहना चाहिए कि आईक्यू टेस्टिंग उसकी इतनी आई है, 120 आईक्यू आया तो ही कैन डू एनीथिंग। बट इट डिपेंड कि बच्चे की क्रिएटिविटी कहाँ पे है, उसका माहौल क्या है, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। एक टूल की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो आई विल गाइड पेरेंट्स कि वो ज़रूर जा सकते हैं आईक्यू टेस्टिंग के लिए, पर इसके बेस पे अगर वो सिर्फ स्ट्रीम चूजिंग के लिए लेना चाहते हैं तो मैं अपनी तरफ से गाइड नहीं करना चाहूँगी। वो सारा कुछ देखें, बच्चे का इंटरेस्ट, उसका क्रिएटिविटी का लेवल, सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते ही हुए बच्चे को गाइड करें। ट्वेल्थ के बाद जो डिसेबल बच्चे होते हैं, डिसेबल मतलब मानसिक रूप से जो थोड़े से नॉर्मल बच्चों से थोड़े से अलग होते हैं, हम उन्हें डिसेबल तो नहीं कह सकते हैं, पर मानसिक रूप से जो थोड़े से स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उनके लिए हमारे इस सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में क्या प्रोविज़न है उनके लिए, क्या क्या उनको फैसिलिटीज़ दी गई हैं? अगर मैं डिसेबल बच्चों की बात करूँ, जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन की बच्चों की कैटेगरी आती है, उसके अंदर प्रोविजंस बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दिए हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी। पर पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि वो जो उनको प्रिविलेज दी गई है उसको अवेल कैसे करना है। कुछ जगह पे पेरेंट्स को अवेयरनेस ही नहीं है कि हमारे बच्चे को ये फैसिलिटी प्रोवाइडेड है, उसको अवेल कैसे करें। अगर तो सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग है, उनके लिए सब्जेक्ट चूजिंग में कोई भी मतलब लिमिटेशंस नहीं है, एन नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए, और इवन कि ओपन स्कूल है, अगर वो ओपन स्कूल में जाना चाहते हैं ओपन स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। और सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो उनको अजम्पशंस प्रोवाइड होती हैं एग्जाम ड्यूरिंग के एग्ज़ाम पे, सब्सक्राइब भी दिया जाता है, और एक्स्ट्रा टाइम जो है उन्हें 45 मिनट्स जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स में अवेलेबल होते हैं। इवन जो है सब्सक्राइब के साथ जो है प्रिपरेशन के लिए भी जो है स्कूल में स्पेशल एजुकेटर्स अपॉइंट होते हैं, उनके लिए काउंसलर्स होते हैं, स्पेशल गाइडलाइंस दी जाती हैं। और ये गवर्नमेंट लेवल पे इनिशिएटिव है जिस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ, ये सारा इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेवल पे मैं बात कर रही हूँ, जो चीज़ें गवर्नमेंट स्कूल में भी अवेलेबल हैं। पर आफ्टर स्कूलिंग की अगर मैं बात करूँ, अब मेन जो है उनकी प्रोफेशनल लाइफ का जो रहता है, तो वहाँ पे बच्चे की डिसेबिलिटी का जो सिवियर लेवल, मॉडरेट लेवल, जो माइल्ड लेवल रहता है, उसके अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखनी पड़ती हैं कि वो किस गाइडलाइंस के अंडर जो है फॉल डाउन होगा। वो गाइडलाइंस गवर्नमेंट की अलग सेक्शंस में हैं, क्योंकि अभी जो है ये रीसेंट एक्ट जो आया है 1992 का, जो इन्होंने जो है रीसेंटली अभी जो है 16 एक्ट में अंडर जो है ये डिसेबिलिटी का 21 डिसेबिलिटीज़ अब इंक्लूड करी हैं, जो कि अर्लियर जो डिसेबिलिटीज़ एक्ट में जो था सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज़ इंक्लूडेड थी, और अब रिसेंटली 21 डिसेबिलिटीज़ इंक्लूड की हैं, जिसमें जो सर्टिफाइड केस हैं, जिनको सर्टिफिकेट जो मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से कि डिसेबिलिटी अप्रूव्ड है, उन बच्चों के लिए गवर्नमेंट के लिए आगे गवर्नमेंट जॉब के सेक्शंस में भी जो है अलग से अवेलेबिलिटी है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। प्राइवेट सेक्टर्स में भी ट्रेनिंग के लिए उन्हें कहाँ जाना चाहिए, सिवेरिटी लेवल पे अगर डिसेबिलिटी है उनके ट्रेनिंग सेंटर्स अलग से अपॉइंट हो रखे हैं। मॉडरेट और माइल्ड लेवल पे भी जो है वो नॉर्मल इंक्लूसिव क्लासरूम सेटिंग्स में, जैसे स्कूल में भी एडमिशन लेवल पे कम्पीट कर रहे हैं। इवन फर्दर जो है जॉब प्रोफाइल गवर्नमेंट जॉब लेवल पे या कॉलेज लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ड्यूरिंग भी वो नॉर्मल स्टूडेंट के साथ कम्पीट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो उस टाइम वो सोचते हैं कि मेरा फ्रेंड अगर शिमला में ले रहा है तो मैं भी वहीं लूँगा, तो ये जो बच्चे करते हैं ऐसा करना क्या उचित है? ऐसे में माँ बाप को क्या करना चाहिए? देखिए, उचित तो नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा, सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर हम बच्चों को गाइडलाइंस के थ्रू गाइड करें, बच्चे को सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट से ही बताएं और नेगेटिविटी से दूर रखें, पर दूर रखना ये नहीं कि उनको अवेयरनेस नहीं देनी है, आप उनको गाइड कीजिए। पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि अगर वो मोबाइल फ़ोन अवेल करवा रहे हैं अपने बच्चे को, तो उसके आगे सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, आगे वर्स सिम्टम क्या है। अभी अगर आपको पॉजिटिविटी दिख रही है, पर उसके साथ आप 1% जो नेगेटिविटी है उसको भी साथ लेके चलें, और अपने बच्चे को भी अवेयरनेस प्रोवाइड करें इसकी।
रही बात इन्फ्लुएंस फैक्टर की, सोशल मीडिया के थ्रू बच्चे इन्फ्लुएंस ज़रूर होते हैं और ये ह्यूमन टेंडेंसी है, इसको आप रोक नहीं सकते हैं या कहें कि वो बच्चा ऐसा कर रहा है या मेरा बच्चा क्यों नहीं कर रहा है। ये पेरेंट्स में भी इन्फ्लुएंस जो है सोशल मीडिया के थ्रू मैंने देखा है, पर दोनों चीज़ों में जो है एक फैक्टर्स जो इन्वॉल्व हैं कि आप उस लेवल को अपनी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं या उसको एंट्रेंस का जो आपने नज़रिया अपनाया है अपनी लाइफ में वो कितना है। अगर तो सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे आप उसको ले रहे हैं कि वो बच्चा जो मतलब कि अगर आपका बच्चा दूसरे बच्चे से इन्फ्लुएंस होके कह रहा है कि शिमला में एडमिशन लेना चाहता है या कहीं आउट ऑफ द स्टेट कहीं लेना चाह रहा है एडमिशन, तो अगर वो स्कूल बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ उसको बहुत अच्छी मिल रही हैं और आपको भी लगता है कि आपका बच्चा अकेले वहाँ जाके उस फील्ड में आगे परस्यू कर सकता है और इतना कॉन्फिडेंस रखता है कि अकेले सब कुछ मैनेज कर सकता है, तो नो डाउट वो एक अच्छा नज़रिया जो बच्चा देख रहा है उसको सपोर्ट करें। पर अगर आपको पता है पहले से ही कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल इतना नहीं है और आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं और वो स्कूल जो वो देख रहा है जिस नज़रिए से उसकी जो लेवल है जो मतलब स्कूल का जो है वो उतनी अच्छी रेपिटेटिव नहीं है जिस कोर्स के लिए वो जा रहा है वहाँ पे, तो नो डाउट आप सारी चीज़ों को जो है आप बच्चे को बताइए, उसको जानकारी दीजिए इन चीज़ों के रिगार्डिंग। प्रैक्टिकल एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन रखें बच्चे के साथ, अगर आप प्रैक्टिकल हेल्दी कॉन्वर्सेशन रखते हैं तो बच्चा ज़रूर समझेगा, पर इसमें थ्रेटन वे मत रखिए कि बच्चे को किसी चीज़ से या थ्रेट करें, क्योंकि 16-17 ईयर्स के बच्चे को अगर पेरेंट्स थ्रेट करते हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पॉजिटिविटी से मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस टाइम उसको गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप ये ज़रूर कहते हैं कि तेरे भाई ने ये सब्जेक्ट लिए तो तुझे भी यही लेने होंगे, तो आप ऐसे टाइम में माँ बाप को क्या कहना चाहेंगी? ये बहुत ही गलत नज़रिया है, मैं सभी पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी इस नज़रिए को ज़रूर बदलें कि एक सिबलिंग में अगर आपका, क्योंकि दोनों सिबलिंग जो हैं बच्चे वो एक साथ नहीं होते, हर बच्चे की लर्निंग पेस अलग होती है, हर बच्चा डिफरेंट है, यूनिक है, अपने लेवल पे अंडरस्टैंड करता है हर बच्चा, तो इस चीज़ को समझें। दो बच्चे जो हैं ब्रदर एंड सिस्टर हैं या दो ब्रदर्स हैं उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट रहता है, तो पेरेंट्स को सबसे पहले ये गाइडेंस मिलनी चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं आप दिमाग में ज़रूर रखें कि अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। अपॉर्चुनिटीज़ दोनों को सेम प्रोवाइड करें, पर हो सकता है अपॉर्चुनिटी सेम देने पे भी एक्सेल करने का जो लेवल है दोनों का अलग अलग ही रहे, पर ये इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि दोनों में कंपैरिजन बिल्कुल ना करें। इवन कि मैंने ये चीज़ भी देखी है, पेरेंट्स कहते हैं कि अगर मैं बोर्डिंग हाउस में रहा हूँ या हॉस्टल लाइफ ली है तो वो अपने बच्चे को भी हॉस्टल लाइफ जो है वो एक्सपीरियंस कराना चाहते हैं। कुछ बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो उन बच्चों को आप नहीं गाइड कर सकते कि एक पेरेंट्स के जो एक कम्फर्ट जोन है एकदम से उनको अलग करके हॉस्टल लाइफ में रहना, सिर्फ सिखाना चाहते हैं आप, सिर्फ एक्सपीरियंस कराना चाहते हैं उसके लिए कि आपने एक्सपीरियंस किया है वो अच्छा था तो आपके बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा। ये नज़रिया भी बदलना चाहिए, जो आपके लिए अच्छा रहा था उस टाइम का माहौल अलग था और इस टाइम पे बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ज़्यादा इमोशनल हैं, उनका नज़रिया समझने का तरीका अलग है, तो हर चीज़ को बच्चे के अकॉर्डिंग उसके लेवल के अकॉर्डिंग समझें तो बच्चे हर चीज़ में जो है हर फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। आजकल पढ़ाई के लिए बच्चे मोबाइल का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि गूगल पे सारी चीज़ अवेलेबल होती है, तो ऐसे में माँ बाप कई बार तो खींच जाते हैं कि तू क्या हर वक्त फ़ोन पे लगा रहता है, तो क्या उनको अपना नज़रिया चेंज करना चाहिए माँ बाप को? बिल्कुल, नज़रिया इस चीज़ के लिए चेंज नहीं करना चाहिए, आपको देखना चाहिए बच्चा मोबाइल, अगर आपने मोबाइल फ़ोन दिया है, इंटरनेट फैसिलिटी भी प्रोवाइड की है, तो देखें पहले आप चेक ऑन ज़रूर रखें वो सर्च क्या कर रहा है, उसको ज़रूरत किस चीज़ की है, उसका क्यूरियोसिटी लेवल क्या है, वो जानकारी क्या लेना चाह रहा है। स्कूल की तरफ से कुछ असाइनमेंट्स भी ऐसी प्रोवाइड होती हैं जिसमें बच्चों को इंटरनेट यूज़ करना ज़रूरी होता है, उन्हें असाइनमेंट लेवल पे भी जो है कुछ चीज़ें सर्च करनी होती हैं, कुछ चीज़ें वो पर्सनल लेवल पे उनको जानकारी चाहिए, कुछ क्वेश्चंस उनके दिमाग में आते हैं उनके आंसर पेरेंट्स नहीं दे सकते हैं, पर इंटरनेट लेवल पे उनको एक्सप्लोर भी मिलता है, एक लेवल भी मिलता है जहाँ पे वो ये चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। पर अगर आप ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो मैं पेरेंट्स को बताना चाहूँगी कि आप चेक ऑन ज़रूर रखें कि बच्चे इंटरनेट पे कौन सी साइट्स ओपन करते हैं, वो क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं या किस चीज़ की जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं, इन चीज़ों का चेक ऑन ज़रूर रखें।
और एक टाइम लिमिट ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो स्कूल का होमवर्क है या असाइनमेंट है। 1 घंटा 2 घंटे से ज़्यादा इंटरनेट फैसिलिटी यूज़ ना करने दें बच्चे को, उसके ड्यूरिंग ही जो है अपना असाइनमेंट कंप्लीट करें। इवन स्कूल की तरफ से भी गाइडलाइंस दी जाती हैं कि इससे ज़्यादा जो है वो उनको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, 1 घंटे में असाइनमेंट उनकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर वो कुछ और सर्च कर रहे हैं तो साइट्स को लिमिटेड रखें। अब मतलब कि अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है कि आप साइट्स को लिमिटेड कर सकते हैं कि सिर्फ 2-3 साइट जो आप चाहते हैं, जो एकेडमिकली बच्चे की इंफॉर्मेटिव बेस पे जो है बहुत ज़रूरी हैं, तो वही साइट आप जो है बच्चा ओपन कर सकता है, तो वो फैसिलिटी आप यूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ का चेक ऑन ज़रूर होना चाहिए ताकि जो बच्चे का क्यूरियोसिटी लेवल है वो किसी गलत साइट की तरफ ना जा पाए। जी जसपाल जी, आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।